नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो महिला नक्सली समेत छह नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत रवाना किया गया था। दल जब क्षेत्र के चिपुर भट्टी गाँव के करीब तालपेरू नदी के किनारे पहुंचा, तब नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी बंद होने के बाद जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली, तब दो महिला समेत छह नक्सलियों के शव तथा भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मौके से बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। दिनांक 27 मार्च को जिला बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरपुट्टी इलाके में माओवादियों का उपस्थिति के सूचना पर हमारा डीआरजी टीम सीआरपीएफ एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान छह माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से दो महिला हैं और चार पुरुष हैं और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स वगैरह भी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथी सुरक्षित है और आसपास इलाके में और री एनफोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। अभी डेड बॉडीज की शिनाख्त कार्रवाई की जा रही है। संभवतः उसमें एरिया कमेटी और माओवादियों का पीएलजी प्लेटून नंबर 10 का कुछ कैडर्स होने का संभावना है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन तब बॉडी का आइडेंटिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर बताना संभव होगा। प्रतिवर्ष गर्मी के समय प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीओ माओवादी संगठन द्वारा टीसीओसी अभियान के नाम पर इलाका में कुछ हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भय का वातावरण निर्मित करने की उनकी कोशिश रहता है। इसे देखते हुए हमारा भी एक काउंटर एक्शन प्लान के तहत डीआरजी एसटीएफ बस्तर फाइटर्स सीआरपीएफ कोबरा और अन्य जितना भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं के लेकर हम लगातार इलाके में एरिया डोमिनेशन और अन्य प्रकार का ऑपरेशन संचालित करते हैं। विगत 3-4 वर्षों में देखा जाए तो टीसीओसी के दौरान मोदी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाए हैं। उसी हिसाब से आने वाले समय में भी हमारा पूरा सावधानी रहेगा। साथ साथ एक काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन प्लान के तहत हमारे भी कोशिश रहेगा मोदियों का जो खिलाफ एक प्रभावी रूप से कार्रवाई करे ताकि क्षेत्र में शांति बने रहे और किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि। अब नक्सलवाद के साथ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ाई हो रही है और युद्ध में तो होता ही है, दोनों तरफ से मतलब हानि तो होना ही पड़ता है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मुठभेड़ में छह नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कुछ परसों जो 3 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी उसी के सर्चिंग में टीम गई हुई थी और उस मुठभेड़ में छह नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, ये कन्फर्मेशन। करंट स्टेटस तो शव बरामद हो चुका है, सर्चिंग आगे जारी। देखिये वो मसला तो ऐसा है कि उसका दो ही रास्ता है, या तो चर्चा बातचीत हो और विषय की शांति हो और या फिर सख्ती के साथ इसको दूर किया जाए। और चुनाव उनाव से इन बातों का कोई लेन देन नहीं है, चुनाव तो आना जाना होगा। ये तो बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की, इसको तो दूर होना चाहिए।